विपदो नैव विपदो संपदो नैव संपदो विपदो विस्वरणं विष्णु संपदो नारायण स्मृति। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी भोपाल परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, ये जो भगवत विमुख दृश्यमान प्रपंच है, ये एक पेनफुल टेस्टिंग प्लेस, परीक्षा का एक स्थान है, यंत्रणामय, बड़ा कष्ट देने वाले परीक्षा का स्थान है। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल परमहंस जगतगुरु जी ने बताएं, भगवत बहिर्मुख ये जो दृश्यमान प्रपंच है, जगत है, एक यंत्रणामय परीक्षा का स्थल है। यहाँ जो जितना सहिष्णुता दैन्य पर प्रशंसा ये सब विषय का सहारा ले ले तो ये हरि भजन का लिए सहायक बन जाएगा। जाए कहाँ, जगत छोड़ के चले जाए क्या? रहना तो है जगत में ही, लेकिन जगत मेरा अंदर में ना रहे। रहना तो जगत में ही है लेकिन जगत मेरा अंदर में ना रहे। जैसे एक किश्ती, बोट, किश्ती तो पानी में ही रहेगा, किश्ती तो पानी कहाँ रहेगा, किश्ती तो पानी में ही रहेगा, लेकिन पानी किश्ती में अगर घुस जाए तो समस्या पैदा हो जाएगा, खतरनाक हालत पैदा हो जाएगा। तो ये भगवत बहिर्मुख प्रपंच प्रभुपाद कह रहे हैं ये यंत्रणामय बड़ा पेनफुल परीक्षा का स्थल है। यहाँ जिसका अंदर भी जितना सहन क्षमता, एंड्योरिंग पावर, सहिष्णुता, जिसका अंदर में जितना रहे, जिसना अंदर में दैन्य रहे, तिनादि सुनिचिनो तरर्व सहिष्णुना, इतना सहिष्णुता जैसे एक पेड़ का होता है, और गौड़ीय वैष्णवगण का तो पेड़ से भी ज़्यादा होना चाहिए, जैसे हरिदास ठाकुर। और दैन्य आश्रय करे, दैन्य मतलब होइलो सर्वगुणे गुणी महाशय प्रतिष्ठा आशा छाड़ी करो अमानी हित। दैन्य तब आता है जब हम अपने को सबसे फालतू मानता है, सबसे नीचा, मेरा मापी कीड़े मकोड़े और दुनिया में होता ही नहीं, ऐसा अगर मन का भाव रहे तो दैन्य आता है। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, ये लोगों का दैन्य है। आहा, दैन्य साधु का भूषण है, आभूषण है, भूषण नहीं। जिसका अंदर में जितना दैन्य रहेगा वो उतना ही भगवान का प्यारा बन जाएगा। और दैन्य का मतलब ये मत समझो, दैन्य का मतलब कई अगर ऐसा उल्टा समझे जो कपट व्यक्ति जैसे महाराज धन्यवाद कैसे हो, ये दैन्य नहीं है। प्रभुपाद
बांग्ला में कहते हैं ये आकुपाकू भाव, पौपात बांग्ला में कहते थे ये आकुपाकू भाव, ये कोई दैन्य नहीं है, ये ड्रामा है। आकुपाकू भाव मतलब ड्रामा, ये वास्तविक दैन्य नहीं है। वास्तविक दैन्य है परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज के अंदर, वास्तविक दैन्य है परम पूज्य संत गोस्वामी महाराज के अंदर, जो लोग एक जोर से फटकार देता है, गाली देता है, क्यों दैन्य है, क्या कहते हो महाराज, ठीक कहे, ठीक ही कहा। उस दिन अंग्रेजी कथा में मैं मैथमेटिक्स का मापिक प्रमाण कर दिया, कैसे बोले देखो ये जो तमाम दुनिया को बचाने के लिए जो संत महात्मा कड़वा प्रवचन देते हैं, कड़वा बोलते हैं, वो तो भटक गए हैं ना, अपना रास्ता से भटक गए हैं शायद। उन लोगों को लाने के लिए मंगल के लिए अगर कुछ कड़ा बात बोले तो मतलब इसका अंदर में दैन्य है। कैसे, पहला क्वेश्चन है एक कड़वा बात किस लिए बोला, क्या कारण है कड़वा बात बोलने का, कारण क्या है कड़वा बात बोलने के, कारण ये है उसका साथ गुरु वैष्णव का संबंध है। गुरु वैष्णव भगवान सबका साथ इसका संबंध है। संबंध ज्ञान होने से गुरु वैष्णव का जरा सा भी अपमान सहन नहीं होगी, क्योंकि गुरु वैष्णव का साथ संबंध है। आई बात समझ में, आपका माँ का साथ मैया का साथ आपका संबंध है, कोई अगर उल्टा बोले मैया को आप छोड़ोगे नहीं, मतलब आपका मैया का साथ संबंध है। फिर भी यह मेटेरियल संबंध है, लेकिन गुरु वैष्णव का साथ मेरा नित्य संबंध है, अप्राकृत संबंध है। इसमें तो और भी गुस्सा आ जाएगा, क्यों हमारा गुरुवर के बारे में उल्टा बोला। आ संबंध नहीं, संबंध ज्ञान अगर नहीं है तो गुस्सा नहीं आएगी, तो संबंध ज्ञान है इसीलिए कड़वा बोल रहा है, ठीक है। और संबंध ज्ञान होने का कार होने से क्या होता है, भजन होता है पक्का। संबंध जानिया भजीते भजीते अभिमान होवे दूर, संबंध जानिया भजीते भजीते अभिमान होवे दूर। संबंध ज्ञान ही नहीं है तो भजन ही शुरू नहीं है, तो इसको चाहे आचार्य हो जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया मरने जाए, क्या करे, किसी को कोई ठिकाना नहीं है किस रास्ते पे चल रहा है, किसी को, चाहे छोटा बड़ा, किसी को कोई आइडिया नहीं किस रास्ते पे चल रहा है। बड़ा आश्चर्य की बात है, कमाल की बात है, किसी को पता नहीं ये किस रास्ते में चल रहा है। ये पागल का मापिक, पागल कुत्ता का मापिक, हम लोग इसे दौड़ रहा है उल्टा रास्ता पे, इसी कोई भजन समझ लिया, क्या करे, ऐसा ही हालत है। तो संबंध होने का साथ साथ क्या होता है, संबंध ज्ञान होने का साथ साथ दैन्य आएगा ही आएगा। जब आप हिमालय का महिमा समझ में आए, हिमालय का सामने जाए, तो हमारा सर झुक जाता है, समझ में आता है कि क्या हिमालय है, मैं कौन सी कीड़े मकोड़े हूँ। ऐसा मापिक गुरु वैष्णव का सामने, भगवान का सामने हमारा सर झुक जाता है। इनके महिमा जानकर और अपना क्षुद्रता, अपना जो क्षुद्र भाव है समझ के न जाने शर्मिंदा पैदा होता है, कैसा मैं कौन हूं। और संबंध ज्ञान जानने का साथ
दैन्यो अपने आप पैदा होगा। आई बात समझ में? लाइक मैथमेटिक्स, दैन्यो आने का साथ साथ आपका हरि कथा कीर्तन में अधिकार बनेगा। तेनाद विश्वनिचनो तौर विश्वन अमानिना मनोदिनो कीर्तनियो सदा हरि। तेनाद भी नहीं है, मीठा मीठा बात बोलता है। प्रभुपाद ने इतना क्लारीफाई कर दिया, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने इतना क्लारीफाई कर दिया, इसका बाद भी समय नहीं आता। पापा जी ने बताया, मीठा बोली बोलने वाला, मीठा छोड़ी चलाने वाला, मीठा छुरी चलाने वाला आदमी उसका दैन्य नहीं है, वो कपट है, ये असुर है, ये अहिरावन महिरावन है, ये आपका फुलिशनेस, आपका इट इज वन काइंड ऑफ फुलिशनेस ऑन योर पार्ट। आप कंसो को कृष्ण का मामा जी बोल के पूजा करने जा रहे हो, ये आपका फुलिशनेस है। आप जो उल्लू, ये प्रमाण कर दिया। पापा कह रहे हैं कंसों को कोई अगर पूजा करने जाए, बोले महाराज है तो कृष्ण का मामा, मामा जी लगता है तो मेरा पूज्य है। नहीं नहीं, पूज्य नहीं है। तो तीनाद भी कब कीर्तन कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, अंदर से कोई करता कीर्तन सब लोगों को रिझाने के लिए, सब लोगों को रिझाने के लिए कीर्तन, कवाली कीर्तन गाता है। मैंने देखा हंसते हंसते लुटपुट, क्या बात है, हरि कथा बोलने के लिए लेके गया निष्किंचन महाराज, मैं सब गया, और जाते जाते जगह कहाँ से कीर्तन आ रहा है, बड़ा कवाली का मालिक। अरे ये कौन कैसा कीर्तन है? जाके देखा हमारे ही मठ का एक ब्रह्मचारी और कवाली का मापिक, ये घुटना दे के बैठकर जो कवाली गाता है ऐसे, क्या करे, जमाना बदल गया, इंसान कुछ करने का नहीं है क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं। करने का तो बहुत कुछ है, चाहता हूं, लेकिन सुनेगा नहीं कोई। उसका तकदीर में नरक लिखा हुआ है तो सुनेगा कैसे? तकदीर में ही नहीं, प्रभुपाद जी बार बार कहते थे इसका तकदीर में ही नहीं तो क्या करे, तकदीर में नहीं है तो क्या करे। तो कीर्तन में आता है, ताई शिष्य तबो थकिया सर्वदा नालोयो पूजाकार, है ना, ताई शिष्य तबो थकिया सर्वदा नालोयो पूजाकार। आपका शिष्य रह के मैं नौकर हूं, गुलाम हूं आपका, इस विचार से किसी को अपना उच्छिष्ट नहीं देंगे। ताई शिष्य तब थकिया सर्वदा निजो श्रेष्ठ दाने उच्छिष्ट आदि दाने, ध्यान दे, निजे श्रेष्ठ ज्ञाने उच्छिष्ट आदि दाने हवे अभिमान का हवे अभिमान भार, ध्यान दे, निज श्रेष्ठ ज्ञाने उच्छिष्ट आदि दाने हवे अभिमान भार, ताई शिष्य तब थकिया सर्वदा नालोइव पूजाकार। आई बात समझ में? दूसरों को उच्छिष्ट अपना उच्छिष्ट देने का विचार कब आता है? जब मैं बड़ा साधु बन गया, अरे ले मेरा उच्छिष्ट ले। लेकिन पोपा जी ने बोला ऐसा मापिक गुरु का, ऐसा मापिक गुरु का उच्छिष्ट लेना तो दूर की बात है, उसको अपना उच्छिष्ट नहीं देना। ये पोपा छोड़ के किसी के बाप का हिम्मत नहीं हुआ आज तक बोलना। और जो लोग पोपात को फॉलो करता है एग्जैक्टली वो बोल सकता है, बाकी किसी का हिम्मत नहीं। ये गुरु को अपना उच्छिष्ट देना भी माना है, इनके उच्छिष्ट खाना तो दूर की बात है, ये तो मरोगे,
पॉइजन हो जाएगा आपका जिंदगी। अपना उच्छिष्ट भी देना निषेध है। अच्छा, अपना उच्छिष्ट दे दोगे गुरु को और हो जाएगा आपका सत्यानाश, यह पोपा जी ने बताया। तो कैसे आया देखो, करवा प्रवचन किस लिए बोलता है, इसका अंदर में दर्द होता है, बड़ा कष्ट होता है, कैसा कर रहा है ये लोग, कहाँ जा रहा है, मतलब संबंध कहना है, अपना संप्रदाय का स्वाद, अपना गुरु वैष्णव का साथ, भगवान का साथ संबंध ज्ञान है, इसीलिए उसको दुख होता है, कष्ट होता है, सहन होता नहीं, इसलिए बचाने के लिए बोलता है। आई बात समझ में? तो संबंध है मतलब भजन भी बनेगा, तिनाद भी रहेगा ही रहेगा, तिनाद भी नहीं होने से तो होता नहीं। सारे कीर्तन से हमने बताया, तिनाद भी रहने से हरिकथा होगा, हरिकथा होगी, बस ये चेन वाइज रिलेटेड। तो तिनादवी का मतलब इतना गाढ़ा संबंध ज्ञान है, प्रेम की रिश्ता है, या आपका कोई बच्चा लड़की या लड़का को उल्टा मार्ग रास्ते पे चलना शुरू कर दे, आप क्या छोड़ दोगे उसको बचाने के लिए, अपने अपना दम तक आप चेष्टा करोगे, मरते दम तक आप चेष्टा करोगे, लेकिन हुआ नहीं तो हुआ नहीं, क्या करें। तो इस जगत में सहिष्णुता और दैन्य तिनाद भी होना मतलब दैन्य, और जिसका दैन्य है वही हरि कथा बोल सकता है, बाकी आदमी लेक्चर दे सकता है, और दूसरे का प्रशंसा करके न्यूट्रल हो जाओ, दूसरों का प्रशंसा दे दो और दूसरों से प्रशंसा लेने का चेष्टा मत करो, अमानी मानो दो, अपना मान संग्रह करने का कोई इच्छा ना है, और दूसरों को मान देना, सम्मान देना, यह है हरि भजन का सहायक है। पर प्रशंसा आप समझा नहीं, क्योंकि एक कंट्राडिक्शन पैदा हो सकता है। पोपा जी ने ऐसा बोला, सहिष्णुता दैन्यो पर प्रशंसा इत्यादि हरि भजन का सहायक है, और फिर पोपा दूसरे जगह बताया, पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत न गर्हेत, ये बताया। अरे कैसे हम समझे, दूसरे का प्रशंसा या निंदा ना करो, और यहां बोल रहा है सहिष्णुता दैन्यो पर दूसरे का प्रशंसा करना, ये हरि भजन का सहायक है। बहुत सारे विचार है इसमें, पोपात का कहने का विचार है, किसी बद्धजीवों का आप प्रशंसा कर दो या निंदा कर दो, आपका अटेंशन उसी व्यक्ति पर टिकेगा, समझा नहीं, जिसका आप निंदा चुगली करोगे, जिसका आप प्रशंसा करोगे, उसका ऊपर आपका अटेंशन फोकस होनी चाहिए, नहीं तो कैसे करोगे। अब वो व्यक्ति तो बंद, वो व्यक्ति का बद्ध दशा है, वो व्यक्ति तो बंधन में है, तो आप जब उसका निंदा व प्रशंसा करने जाओगे, आपका फोकस अटेंशन उसका ऊपर टिकेगा, जब ही आगे चल के प्रशंसा कर सकोगे और निंदा कर सको, इसके द्वारा आपका डिग्रेडेशन फॉल डाउन इज अ मास्ट। लेकिन एक बात पर ध्यान देना, जो निष्किंचन साधु प्रभुपाद का महापी केशव को सेम कड़वा बात बोलता है, इसमें कोई हिंसा नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं, गुरु वैष्णव दूसरे का जो दोष दिखा के दूसरों का
दोष देखा कि आपका फॉल्ट ये हो रहा है, आपका गलती ये हो रहा है, ये बोल के उन लोगों को बचाने का कोशिश कर रहा है। प्रभुपाद कहते हैं गुरु वैष्णव दूसरों का दोष पकड़ के उनको संशोधन करने का प्रयास में लगे रहते हैं, क्योंकि बचाने के लिए। इसका साथ आपका और हमारा दूसरे का निंदा चुकली एक जैसा मत चिंता करो। आई बात समझ में? गुरु वैष्णव दूसरों को बचाने के लिए उन लोगों का दोष दर्शन करा के उनको बचाने का कोशिश करता है, इसका साथ आम आदमी का साधारण भक्तों का जो दूसरे का निंदा चुकली का साथ इस प्रयास प्रचेष्टा को समान एक जैसा मत समझो। क्यों? गुरु वैष्णव का ये दया है। और बद्धजीव अगर किसी का निंदा पसंद है वो इसका हिंसा है, निंदा करे, ये हो गया। अब यहाँ जो विचार है सहिष्णुता दैन्य पर प्रशंसा इत्यादि, इस जगत में हरि भजन का सहायक बन के रहता है, इसका क्या व्याख्या होगी? इसका व्याख्या ये है, ये तो भगवत बहिर्मुख प्रपंच, आज तक मेरे को एक आदमी नहीं मिला, एक आदमी गुरुवर को छोड़ के, आ दो एक है तो गिनती में नहीं आता, एक भी आदमी नहीं मिला जो वास्तविक हरि भजन करना चाहता है वास्तविक रूप में। आप समझा नहीं, मैं कितना दूर तक विचार बनाने का चेष्टा कर रहा हूं, आप विचार करके देखो। मेरा कहने का मतलब है जो अपना जीवन जिंदगी शिक्षा दीक्षा जो कुछ भी है सब भगवान का सेवा के लिए बाजी लगा दिया, ऐसा आदमी आज तक मैंने नहीं दिया, मतलब वास्तविक हरि भजन करने वाले आज तक नहीं मिले, ऐसा हालत है। ये कोई मामूली बात नहीं है, अनंत काल से चक्का काटते काटते इस जन्म में मेरा साथ गुरु वैष्णव का साक्षात हो गया, साक्षात्कार। अब ये लोग मेरे को बचाने का कोशिश किया है, मैंने ये लोगों को धोखा देने का कोशिश किया है, इसीलिए आगे नहीं बढ़ सके, अपराध के कारण नीचे गिर गए। दुनिया का आदमी उल्टा सोचता है, पर प्रशंसा मतलब एक उदाहरण दे दे, पोपा जी ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बुला के लाए, परम पूज्यपाद माधव गोस्वामी महाराज के एल डायस राज्यपाल को बुला के लाए, आप क्या सोचते हो? ये लोगों को ये लोगों का आरती उतारने के लिए बुलाया, आपका क्या ख्याल है, आपका विचार क्या है? क्या माधव गोस्वामी महाराज मूर्ख है? क्या भावपात भूखा है? ये लोगों का आरती उतारने के लिए बुलाया वो नहीं, ये लोगों को सभा में बुलाया, हाईकोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, ये सब जो पंजाब में चंडीगढ़ में भी बुलाया था, हैं राज वहाँ का मिनिस्टर लोग, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, इनको जो प्रशंसा, ये लोग तो प्रशंसा चाहता ही है, ये लोग तो प्रशंसा चाहता ही है ना, ये लोग का जिंदगी में क्या ख्याल है? जितना प्रशंसा लाभ पूजा प्रतिष्ठा टट्टी पेशाब इकट्ठा कर लो उतना ही कामयाबी हासिल हो जाएगी, तो किस में क्या खराबी है? इन लोगों को बुलाया, बुला के सम्मान दिया, माला अर्पण के चंदन दे दिया, है ये लोगों को प्रशंसा दिया, इसका पीछे राज क्या है? बोले महाराज इसको सम्मान देने का एक बहाना है, गुरु वैष्णव कभी भी जड़ जगत का कोई आदमी को सम्मान देने जाए तो उसका पीछे जरूर कुछ राज है,
हरि भजन का कोई अनुकूलो विधान करने का प्रयास प्रचेष्टा है। जैसे उन लोगों को बुलाया, माला अर्पण किया, कुछ बोलने के लिए विनती किया, आप महाराज कुछ बोलो। लेकिन असली बात यह है कि ये एक इम्पॉर्टेंट आदमी आया है, इसका पीछे पीछे बहुत सारे और भी इम्पॉर्टेंट आदमी आ जाएगा। जहाँ राष्ट्रपति आता है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर आता है, वो वहाँ तो बाकी बहुत सारे आदमी आएगा ही। तो उन लोगों को हरि कथा सुनवा के, कीर्तन सुना के, और इसका पीछे बहुत आदमी आता ही है, ओ चलो राष्ट्र राज्यपाल आता है, हम भी चले, ये लोग का मंगल हो जाता है। पर प्रशंसा, ये पीछे राज है, रहस्य है। और प्रभुपाद भी बुलाते थे, प्रभुपाद भी बुलाते थे ना, मायापुर में बुलाया है, छवि है, पिक्चर है ना, साहब लोगों को बुलाया। तो ये लोगों को बुलाने का कारण क्या है? ये तो छागल है, छागल को बुला के क्या है? ले इसका पीछे ये रहस्य है। तो ये गलती मत समझो, ये नियम है। और इसीलिए प्रभुपाद बताया, यहाँ जितना सहनशील हो जाओगे, जितना दैन्य अपना, दैन्य कब आता है? जब हमारा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहे तो दूसरे को अपमान करने का इच्छा होता है, अरे कौन कहाँ से आया है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अब जब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आए तो दूसरे के सामने खड़ा होना भी मुश्किल है। दोनों में एक भी नहीं चाहिए, दोनों में ना तो हमको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स चाहिए, ना तो हमको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स चाहिए। हमको तो बस अपराकृत दैन्य चाहिए, युक्त वैराग्यों का आधार पर। आई बात समझ? तो यहाँ सहनशील भाव, दैन्य और दूसरे का प्रशंसा, हरि भजन का अनुकूल विधान कर सकता है। जो ब्रह्म संगीता का चर्चा एक महीना पहले थोड़ा चर्चा को रोकना पड़ा, क्योंकि दूसरा सारे सेवा भी था, उपाय भी नहीं है, इसके लिए क्षमा मांगना उचित है। और यहाँ 50 नंबर श्लोक का और उसका आगे पीछे चर्चा किया था, और दोबारा इसको याद दिलाने के लिए हमको यहाँ से ही शुरू करना उचित समझता हूँ, क्योंकि आदमियों को याददाश्त खो जाता है। यत् पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभो दंडे प्रणाम समय सौगनोधिराय विज्ञान विहंतमलवस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजाम। क्या बताया? बताया यत् पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभो दंडे प्रणाम समय सौगनोधिराय विज्ञान विहंतमलवस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमाम। ये जो गणपति महाराज है, ये गणपति महाराज कौन है जिसका इतना पूजा होता है महाराष्ट्र में, मद्रास में? बाप रे, गणपति बप्पा दक्षिण भारत में कहते हैं, गणपति बप्पा। ओ कितना पूजा भाई, हमारा दुर्गा पूजा से भी ज्यादा, उरी बाप रे, करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा करते गणपति बप्पा। ये गणपति महाराज का ये तत्व तो क्या है, ये बताने जाए तो समय लगेगा, तो उतना नहीं बोल सके, समय नहीं है। सीधा बात है, गणपति मतलब लीडर, गणाधिपो, गणा अधिपो लीडर है। लीडर मतलब समझा नहीं, लीडर मतलब समझा नहीं, कोई कोई राजनीति में, कोई व्यापार में,
किसी को तो लीडिंग पार्ट में तो रहना चाहिए ना, हैं? गणाधिराज श्री गणपति बोला गणाधिराज अधिराज, जितना सारे गणपति हैं हमारा मिनिस्टर मिनिस्टर मेगा स्टार सुपर स्टार जितना सारे है बनके छागल का माफी ये दुनिया में छा गया, मिनिस्टर मेगा स्टार सुपर स्टार ऐसा चारों ओर, ये गणपति महाराज जो है ये गणाधिराज गण अधिराज राजा नहीं अधिराज, राजाओं का राजा, मतलब कुछ भी लीडिंग पार्ट में जाओ हैं, व्यापार में जाओ पॉलिटिक्स में जाओ कुछ भी जाओ, इसे मिनिस्टर लोग क्या करता है ये पब्लिकों का वोटों का ऊपर पब्लिकों का मतदान ये जो वोट इसके ताकत पर हम लोगों का सर पर खड़ा हो जाता है और टट्टी पेशाब करता है, हम लोग मूर्ख है इसलिए ऐसा ही नेता को चयन करके लाते हैं, तो क्या हम गाधा है इसलिए हमारा सब कुछ गाधे जैसे ही है, है? गिदरों का अगर गिदरों का असेंबली हो जाए गिदरों का असेंबली में तो ऊंट गायन होता है, चेयरमैन होता है ना ऊंट कैमल, यही तो होना चाहिए, आजकल का सभा ऐसा ही है पूरा बुला लिया सभा और छाना रसा बसा खाने का वो पूरा व्यवस्था, असली कुछ नहीं है, असली कुछ नहीं है, सब फांका ऐसे ही चल रहा है, तो दूसरों का जो वोट है दूसरों का जो आपका क्या कहे मतदान है इसके पावर पर वो हम लोग का सर पर खड़ा हो जाता है, टट्टी पेशाब करते हैं, ये कुत्तों को मार के भगाना चाहिए ऐसा ही है, तो ये ऐसा ही है, तो आदमी पूछता है महाराज गणपति महाराज का चूहा इतना छोटा है उसका ऊपर बैठता है तो चूहा तो मर जाएगा, सुनो आप समझा नहीं, चूहा उसका चूहे का ऊपर गणपति बैठता है इसका माने क्या है, छोटे छोटे जो आम आदमी है पब्लिक है ये चूहा का माफी उसका की पावर, एक एक चूहा इलेक्शन में वोट दिया वोट कब उसको खड़ा कराया, तो चूहा के ऊपर गणपति बैठने का मतलब है पब्लिकों का मतदान का ऊपर वह आपका नेता टिका हुआ है, वो हमारा विघ्न विनाश करने के लिए वादा करता है लेकिन कुछ करता तो है नहीं, सब चोरी करके खाली कर देता हम लोगों को बचाएगा ऐसा करे वैसा करे ऐसा, तो ये गणपति महाराज जो है ये हमारा जितना सारे मुसीबतें हैं समस्या हटाने के लिए विज्ञान विहंत मलवास जगत त्रयस्व जगत त्रय का विघ्न विनाश करने के लिए इन्होंने पूजा लेता है हमसे पूजा लेता है गणपति महाराज, और गणपति महाराज का पावर कहाँ से आया है अगर कोई पूछे ये महाराज गणपति महाराज की का पावर कहाँ से आए, पावर आए पावर हाउस से मेन, उसका नाम है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, इसी का ही खुलासा किया है श्लोक में, लेकिन आम आदमी कुछ समझता नहीं है दौड़ता है गणपति बाप्पा को पूजा करो यहाँ थोड़ा पानी दे दो देवी मैया को, हैं पश्चिम में तो नियम है मैया लोग भोर 4 साढ़े 4 बजे उठ के
एक झोला लेके चल चल दी, या इस मंदिर में थोड़ा पानी फेंक दिया और अरवा चाल दे दिया, किसी जगह देवी में एक सिंदूर दे दिया, वहाँ चाइना रोज जवा फूल दे दिया, वहाँ से बिल पत्ता दे दिया, ये ऐसे ही चल पूरा एक जगह निष्ठा है उसका, इसका इंटरनेशनल निष्ठा है, जो जहाँ कुछ है सबका ऊपर निष्ठा है। यहाँ थोड़ा पानी फेंक दिया, वहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा बिल पत्ता चढ़ा दिया, वहाँ थोड़ा तुलसी चढ़ा दिया, सब है उसका बाटी में, चारों ओर बाटी, उस बाटी में एक में सिंधु जो देवता जो चाहता है। और मकसद क्या है, मांगना सबसे एक ही दुआ मांगना, सुख संपत्ति आए घर का, कष्ट मिटे तन का, उसके बाद जगदीश हरे, नहीं तो गणपति बाप्पा हरे। हैं हरिद्वार में इधर उधर सब चलता है एक गान शिवानंद सेन का, वो हमारा शिवानंद सेन नहीं है, वो अलग सा शिवानंद है। वो सब सब देवता को जय संत सी माता, जय गंगा माता, जब शिव जी महाराज कुछ भी कर दो वो सब है उसमें, सब उसका कीर्तन आता है, कहते शिवानंद। ये हमारा शिवानंद नहीं है, हैं। तो यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभो दंदे प्रणाम समय समय सगनो दे राज विज्ञान विहंत मनवस्य जगत्र सुखविंद आदि पुरुषम तमाम। किसी को पता ही नहीं है ये जो गणपति महाराज का जो शक्ति है, ये शक्ति कहाँ से आए, साक्षात गोविंद भगवान से आया। क्यों, गोविंद निशिंग रूप धारण करके आए हैं भगवान, और निशिंग देव का जो चरण जुगल है अपना कुंभ मतलब मस्तक में गणपति महाराज ले लिया, और निशिंग देव तो जितना सारे अमंगल हटाने वाले हैं, चाहे इनकम टैक्स का हो, चाहे लड़की का विवाह का मामला हो, कि इसका कोई दूसरा मामला, सब करो, सब निशिंगदेव करो, परमानु खिला दो, ब्राइब एक दे दो, तुलसी का माला चढ़ा दो, परमानु व्यास हो जाएगा, ठाकुर जी देखना मेरा केस, ऐसा ही हमारा भक्ति। तो ये निशिंगदेव का चरण कमल मस्तक में धारण करके गणपति महाराज विघ्न विनाशनकारी देवता रूप में परिचित हुआ, जाने माने जगत में। गणपति महाराज को सब कोई पूजा करे, लेकिन निशिंगदेव को पूजा ना करे। क्यों, वो तो विष्णु तत्व है ना, विष्णु तत्व का पूजा करने के लिए मेरे को गुणातीत भूमिका में जाना पड़ेगा। लेकिन गणपति महाराज जी को पूजा करने के लिए हमको अपराकित भूमिका में जाने का उतना दरकार नहीं। जब भी अर्चन पद्धति में लिखा हुआ है देव भूत्वा देवम अर्चयेत, तो ठीक है, त्रिजगत का विघ्न विनाश करने का विचार लेकर भगवान से दुआ मांगने के लिए, शक्ति मांगने के लिए नृसिंहदेव गणपति महाराज नृसिंहदेव का चरण कमल अपना मस्तक में रखा है आदि पुरुष। तमाम जगत का विघ्न विनाश का क्षमता साक्षात भगवान से मिला हुआ है, जिसका पास जितना भी क्षमता है, चाहे हमारा पास है, आपका पास है, कुछ भी तो होगा, चाहे पैसा का बल है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, सब भगवान से ही आया हुआ है। यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभो दंडे प्रणाम समय सगन दिराजः विज्ञान विहंतुम अलवस्य जगत्र सुखबिंदुमादि पुरुषम तमाम। इसका तात्पर्य में श्रील सच्चिदानंद भक्ति में ठाकुर विशेष करके कुछ
बात कुछ बातें बताना चाह, वो क्या है? श्रील ठाकुर जी भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, विघ्न विनाश करने का कार्य रूप अधिकार गणपति महाराज का अवश्य है, लेकिन किससे प्राप्त हुआ है? भगवान कृष्ण अर्थात नृसिंहदेव से आया हुआ है। जिसका जो जैसा अधिकार है, अपना अधिकार का मापिक अर्चन बंदन पूजन सब चलता है। अब उसका अंदर में गणपति महाराज बैठा हुआ है तो क्या गोविंद जी का आरती उतारेगा क्या? वो तो गणपति महाराज क्या करेगा, संस्कार का अनुसार। जिसका जो अधिकार बना हुआ है, यद्यपि भगवान स्वयं बताए, भगवान ने बताए, क्या बताए? भगवान बताए, देखो जो दूसरे देवता का अर्चन करे तो ये मेरा ही अर्चन होता है, बट इलीगल, क्योंकि जगत में एक धूलिकन भी ऐसा नहीं है जे गोविंदों के अलावा अपना एग्जिस्टेंस अस्तित्व को रक्षा कर सके, अपना अधिकार को कायम रख सके। एक भगवान का कीपा ही इसका कारण है। किसी भी हालत से जहां जो कुछ भी है अनंत ब्रह्मांड में, प्राकृत अप्राकृत सारे मिला है, भगवान से ही मिला है, दूसरा कोई सोर्स से मिला नहीं। विघ्न विनाश कार्य रूप अधिकार प्राप्त हो जो गणपति महाराज, तत्त अधिकारी जनों का उपास्य वस्तु है। जिसका अधिकार है ऐसा, वो गणपति महाराज की पूजा करे। मैंने एक सेठ को देखा मथुरा में, एक मंदिर है मथुरा में, भूतेश्वर बाबा का जो गेट है बाहरी रास्ता में, जस्ट उसका ऑपोजिट एक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर, सेठ लोग चलाता है। वहां ऐसा है, माटी खोदने का टाइम पे बहुत दिन पहले, हो सके कि 200-300 साल पहले याद है, ये गणपति महाराज मिट्टी का नीचे से मिला है, अभी भी है। मथुरा आने जाने का रास्ता में अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा ठहर जाते थे, आज तो चेंज। वहाँ अरुण महाराज बोल के पोपा से हरिनाम प्राप्त हो एक महाराज वहाँ रहते थे, वो हमको जानते थे बहुत पहले का बूढ़ा, वो ग्रेजुएट एजुकेटेड आदमी हैं, रहते थे। और जिसका जिनके इच्छा के अनुसार मैंने राय रामानंद संवाद पोपात का जो भाषण है गोदावरी नदी का तीर पे, वहाँ इसका पर आधारित है, इसलिए ये किताब इतना हम लोग रिप्रिंट करने का सोच रहा है, अंग्रेजी में हो गया लेकिन कौन चेकअप करे, आदमी समय का अभाव, बहुत दिन हो गया, अब तो करना ही पड़ेगा, बहुत समय जा रहा है, कुछ उपाय भी नहीं है, समय मिल ही नहीं रहा, कहाँ करे। तो पोपात का आई भक्ति विनोद ठाकुर का विचार है, जो जैसा अधिकार है उसको वैसा ही, कोई देवी मैया को माने, कोई भी शनिचर भगवान को माने, आप चले जाओ नंदगांव छोड़ के, हैं वहाँ चले जाओ, वहाँ देखोगे
कोकिलावन, अरे बाप रे, हजारों हजारों लोगों का लाइन पड़ गया। वो ककिलावन में कृष्ण का नाम और निशाना मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ शनिचर भगवान का कितना लाइन है, बाप रे, हजारों हजार दिल्ली से बॉम्बे से सब आता है। समझा मेरा बात? जो जो जिसका जितना अधिकार है, अधिकार का अनुसार वो चले, का करे। तत्त अधिकारी जनों का उपास्य बन के गणपति महाराज भी विराजमान है। यहां तक कि ये उपास्य सगुण ब्रह्मो, यहां तक कि पंचो उपासक आर्य समाज तो मानते नहीं भगवान का विग्रह को, आर्य समाज को कोर्ट का केस में हिंदू बोल के स्वीकृति नहीं दिया गया। आई बात समझ में? भगवान को मानते नहीं। तो यहां तक विचार होता है, जो पंचोपासक लोग हैं, ये गणपति महाराज को उपास्य सगुण ब्रह्म बोल के पंचो देवता का अंदर में ये पदवी लाभ किया है। इतना तक विचार है गणपति महाराज का बारे में, पंचो उपासकों का अंदर में ब्रह्म बोल के इनको माना जाता है, सगुण ब्रह्म। पंचो उपासकों का अंदर में शिवजी महाराज, देवी गणपति महाराज, सूर्यो हैं, ये सब जो है आता है, गणपति महाराज है, शिव, दुर्गा, गणपति महाराज, सूर्यो, और क्या है उसका नाम, क्या है, और पांच इसका पूजा होता है, विष्णु। विष्णु को भी वो लोग पंचोपासनक, ध्यान दे इस बात पर, पंचोपासक गणों में जब विष्णु पूजा का बहाना है, ये दे आर नॉट एक्चुअली वर्शिपिंग विष्णु। आई बात समझ में? ये लोग तो दिखाने के लिए पंचोपासक, पंचोपासक, पंचोपासक कभी वैष्णव नहीं है। पंचो उपासकों का अंदर में कोई विष्णु का पूजा करता है विद द कंसेप्शन दैट वी आर वर्शिपिंग, वी आर अंडर द कैटेगरी पंचो उपासक, तो ये विष्णु, इसका विष्णु उपासना भी निर्गुण नहीं है, तो इसको वैष्णव नहीं माना जाएगा। आई बात समझ में? यही गणपति महाराज श्रील सच्चिदानंद भक्तिमय ठाकुर शास्त्रों का विचार का अनुसार बता रहे हैं, गणपति महाराज इज नथिंग बट वन अधिकारी देवता, ही हैज रिसीव्ड सम पावर फ्रॉम भगवान एंड शक्त्याविशिष्टो, शक्त्याविष्टो, सम शक्ति इसका अंदर में संचालित कर दिया, और गोविंद का कृपा के द्वारा ही इनके सारे महिमा हैं, अलग सा इसका कोई महिमा हो ही नहीं सकता। जगत माने जहन्नुम में जाए, चूल्हे में जाए, जगत क्या करे, कोई मानने वाला है नहीं, जगत चूल्हे में जाए क्या करे, मानने वाला कोई है नहीं, क्या करे, कहने का कर्तव्य है तो कहना पड़ेगा। यत् पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभो दंदे प्रणाम समयेश गणाधिराय विघ्नान विहंत मलमस्स जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषोत्तमहं भजामि। आया तारे आधिकारिक देवता, जहां जो देवता है जिसका भी आम आरती उतारो, बी श्योर सब कोई का पावर गोविंद से ही आया हुआ है, एक पत्ता भी हिलता नहीं, एक
पत्ता भी पेड़ का पत्ता भी हिलता नहीं गोविंद का शक्ति के अलावा। चाहे सूरज भगवान हो, चंद्रमा हो, चांद सितारे जो कुछ भी है, सारे भगवान का शक्ति के ऊपर आधारित है। तो 50 नंबर श्लोक का थोड़ा बहुत व्याख्या कर पाया और जो श्लोक दे के शुरुआत किया उसका भी थोड़ा माने बताना चाहिए। आम आदमी, जगत का आदमी जितना सारे विपत्ति आए उसके ही मुश्किल आसान करने के लिए भागादौड़ी करता है, लेकिन वो जानता ही नहीं एक आदमी इंग्लैंड में रहता है, अयोध्या का ओरिजिनली है, वो दारू का व्यापारी हो गया, दारू माने दारू बिक्री करता है और फिर एट द सेम टाइम मेरा हरिकथा भी सुनता है, इंग्लैंड में पेट्रोल पंप भी है वो चलाता है, एक भक्तों का थ्रू सुनता है सब कुछ, श्रद्धा भी रखता है, लेकिन हरिकथा सुनते सुनते इसका दारू का व्यापार बंद हो गया। ये ठाकुर जी की कृपा है। वो सोचता है कि महाराज हमारा विपद है, हम कैसे गुजारा करें, हम तो तुम्हारा गुजारा हो ही जाएगा, कोई चिंता मत करो, दारू का व्यापारी आप हो, हरी कथा सुनोगे, मेरे को प्यार करोगे, ये कैसे हो सकता। कुछ कुछ ऐसा भी व्यापारी है जो गुरु जी के आश्रय लेने के बाद ये इसका ट्रांसपोर्टेशन का व्यवसाय था, एक कल्याणी में है एक छागल, बोले महाराज हमारा दीक्षा लेने के बाद एक बास, पहले मेरा एक बास ट्रांसपोर्टेशन एक बास चलता था रूट में, अब मेरा चार बास चलना शुरू कर दिया, कितना गुरु जी का कृपा है देखो। कितना कृपा है देखो, एक बास से चार बास हो गया। वो उसको समझ में नहीं है गुरुदेव तेरे को बांस बैम्बो दे दिया। ये बांस नहीं है, बाम्बो बांस। ये कुछ नहीं है छागल, लेकिन ये लोगों का विचार ऐसा ही है, दुनिया का ऐसा ही विचार है। उसको मैसेज भेजा गया तो दारू का बस व्यवसाय बंद हो गया, जल्दी आ जाओ अयोध्या में, वहां रहने का कोई दरकार नहीं, आ जाओ, मारा है हमारा लड़की का थोड़ा नाम सिलेक्ट कर दो, हमारा का नाम दे दिया, क्या करे, करना पड़ता है, करेगा धीरे धीरे, मछली मांस दारू नहीं पीता है, लेकिन फिर भी तो यहां रहना मतलब कितना भजन पावर होने से ये सब देशों में रह सकता है, कितना पावर, जितना सारे कंटामिनेशन होगा वो अपना भजन की पावर पर वो जला के खाक कर देगा। ये कोई साधारण आदमी का बस का बात नहीं है, क्या हम चलो महाराज प्रचार करने जाए, प्रचार करने तुम नहीं जाओगे, तुम पाचार करने के लिए हो, पाचा हेरा फेरी ये करने के लिए जाओगे। पोचार ऐसे बनता नहीं, पोचार ऐसे बनता नहीं, उतना इजी है। जो भी है, हमारा 51 नंबर श्लोक में इसी बात को थोड़ा आगे चलकर खुलासा किया गया, वो क्या है, अग्निर्मही गगनम्बु मरुद्दिशस्य कालहस्तथात्मो मनसि इति जगत्रयानि जस्मात् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यच्च जञ्च गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। अग्निर्मही गगनम्बु मरुद्दिशस्य कालस्तथात्मो मनसि इति जगत्रयानि यस्मात् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यच्च जंच गोविंदमादि पुरुषम तमहं भज। अग्निर्मही गगनम्बु मरुद्दिशश्च कालस्तथात्म मनसीति जगत्रयानि
यस्मात् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यंच गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मतलब क्या है, अग्नि क्षिति, क्षिति जानते हो मिट्टी, अग्नि क्षिति आकाश, यल वायु, दिक काल, आत्मा मन, ये नए, ये जो नए पदार्थ है, नाइन एलिमेंट्स अध्यय है, बाय द हेल्प ऑफ विच ये तमाम जगत त्रिजगत बिल्डअप है, सृष्टि हुआ है। अग्नि क्षिति आकाश जल वायु दिक काल आत्मा मन, ये नए एलिमेंट्स के द्वारा त्रिजगत का सृष्टि हुआ है। और जहां से ये सब एलिमेंट आए हुए हैं उसको भी तो जानना चाहिए ना, जहां से ये सब नाइन एलिमेंट्स का उत्पत्ति और स्थिति और प्रलय काल में विनाश जहां से होता है उसका नाम तो कम से कम सुनोगे, उसका नाम है गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। भगवान ने गीता में बता दिया, कोई ध्यान नहीं देता। भगवान गीता में बता दिया, मेरा प्रकृति नाय किसी का पाठ होके रहता है, भूमि राप अनलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में प्रकृति रस्वता। आई बात समझ में? प्रकृति आठ किस्म का विभाग लेके सृष्टि, ये प्रकृति का ही भाग है, भूमि राप अनलो वायु खंग मनोबुद्धि रेव च अहंकार इत्यम में प्रकृति रस्वथा। अग्निर मही गगनम्बु मरुत दिशश्च कालहस्तथात्म मनसि इति जगत्त्रयाणि यस्माद् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति जंच गोविन्दमादि पुरुषं तमाम भजामि। अग्नि क्षिति आकाश जल वायु दिक् काल आत्मा मन, इन नौ नाइन एलिमेंट्स से जगत का निर्माण हुआ है। और जहां से आया हुआ है उसका बारे में बताया गया, जहां से ये सारे चीजों का मूल आधार है आया है, जिसके द्वारा जगत का उत्पत्ति, जगत का स्थिति, जगत का लय होता है, अल्टीमेटली जिसमें प्रविष्ट होता है, वही आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करना चाहता हूं, भजन करता हूं। तात्पर्य ये है, पंचभूत क्षिति अपोतेज मरुद्भम दिक डिरेक्शन काल, काल मतलब समय, और जीवात्मा एवं बद्ध जीवों का लिंगो देहरूप मनोबुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार मनस्तत्व छोड़कर इस जगत में और कुछ नहीं है, समझा नहीं, ये सब छोड़कर जगत में कुछ है ही नहीं, ये सब चीजों से भरपूर है,
पूरा दुनिया पूरा दुनिया को छानबीन करके ढूंढो, कुछ नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। काल हम आत्मा मन और शरीर का बारे में इसका भेद क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसका बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। पंचभूत दिक डिरेक्शन काल समय जीवात्मा और बद्ध जीवों का लिंग शरीर रूप मन बुद्धि अहंकार आत्मक मनस्तत्व छोड़कर दुनिया में त्रिजगत में कुछ है ही नहीं। कर्मी लोग अपना कर्म फल पाने के लिए कर्मीगण यज्ञ का अग्नि का हवन करते रहते हैं, इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा ऐसा करते रहते हैं। और बहिर्मुख जीव सकल ये परिधि समान नवो तत्मात्मक नाइन एलिमेंट से बना हुआ तत्व जगत जगत का अतिरिक्त हो, आई बात समझ में। कौर्मीगण कर्म का फल लेने के लिए यज्ञ में अग्नि हवन करता है, और जितना सारे बहिर्मुख आदमी है कृष्ण भोली सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दय संसार आदि दुख, ये बहिर्मुख जीवों का लिए परिदृश्यमान ये नवोत्तमात्मक जे जगत छोड़कर दूसरा कुछ है ही नहीं। जहां जहां नित्य पड़े तहां रक्त मांस स्फुरे, मजा करके बताया, बुरा नहीं मानना। जैसे महाप्रभु राय रामानंद को बताया था ना, जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे। और बद्ध जीवों का बहिर्मुख जीवों का लिए क्या है, ये तमाम जगत सारे भोग की समान है। लड़का भोगो, लड़की भोगो, रुपया पैसा भोगो, जमीन जायदाद भोगो, दारू भोगो, खूब भोगने का समान है। दुनिया में छानबीन करके ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो भोगने का नहीं है, सारे भोगने का। आप विदेशों में तो घर घर में कुत्ता कुत्ता बिल्ली है ही है, बिना कुत्ता बिल्ली इसका घर जमेगा नहीं। एक एक घर में चार चार कुत्ता, दो दो कुत्ता रहता है कम से कम तमाम। आजकल भारतवर्ष में भी हो गया, वही तो आएगा ना, और क्या आएगा, सीखेगा तो वही सीखेगा और कुछ नहीं सीखेगा ना। अपना जिंदगी को पाठ करते 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 अपार्टमेंट में घुस गया, अपना जिंदगी को पाठ करते रहे, पिताजी के अलग हो जाओ, माताजी से अलग हो जाओ, भैया से अलग हो जाओ, एक पाठ करते करते वो अपार्टमेंट में घुस गया। 60 लाख का, 80 लाख का, 90 लाख का एक एक अपार्टमेंट, इन 90 लाख में एक बड़ा मंदिर बन जाए, जहां भजन पूजन कीर्तन हरिकथा का सेंटर करो, अपार्टमेंट में क्या करोगे। पाठ होते होते अपार्टमेंट में घुस गया। चलो अब जिंदगी में जितना विचार करके देखोगे, सारे आदमी हु नॉट सब सेल्फ सेंटर्ड, तमाम दुनिया दे बिकम सेल्फ सेंटर्ड। पहले ऐसा नहीं था, कितना प्रेम प्यार एक दूसरे का साथ देखा, हिंसा भी था लेकिन इतना नहीं है। अब क्या हो गया, उल्टा चारों ओर ऐसा, दुनिया में ऐसा हालत चल रहा है। तो बहिर्मुख व्यक्ति को लिए कैसे समझोगे, बहिर्मुख व्यक्ति का सिम्टम है जो चीज देखेगा सामने उसके, He is always thinking with enjoying mood. ये बहिर्मुख व्यक्ति का लक्षण है।
जहां जो कुछ भी देखे सब भोग की समान है, ये बहिर्मुख व्यक्ति। और क्या करे, बहिर्मुख जीव सकल परिदृश्यमान नवो तत्मात्मक, ये जो जगत का जो प्रकाश है इसके अलावा और कुछ समझना नहीं चाहता है। दे आर लेस इंटरेस्टेड, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं, उतना बातें सुनना नहीं चाहता हूं, मेरा ये चाहिए। अच्छा ठीक है लो। ये जो पहले वाला श्लोक का व्याख्या करते करते हमने बताया था ना, याद है पहले जो शुरू किया था, ये जो प्रभुपाद का बातें उठाया था ना एक घंटा पहले, जो दूसरे का सम्मान भागवत में 11 स्कंद में आता है, अगर आपका फैमिली मेंबर परिवारों का परिजन सारे आपका खिलाफ है, अब आपका जाने का जगह नहीं है, कहाँ जाओगे? पिताजी को मानता है इसलिए इसका बैंक बैलेंस है, पिताजी को मानता है इसलिए इसका सोने का जेवर है सिंदूक में, नहीं तो कौन मानता? जमीन जायदाद है, मानता नहीं। अब लड़की कोई चमार का साथ शादी करे, कुछ बोलने जाओ तो खून खराबा हो जाएगा, मानेगा नहीं, मानेगी नहीं। तो इसमें भगवान उद्धव जी को बताया, देखो जब ऐसा हालत पैदा हो जाए, कोई सुनता ही नहीं है, कुछ सुनने वाला है ही नहीं, कुछ कोई तो होगा, इस आशा लेकर मैं कुत्ता का माफिक चिल्ला रहा हूं, कोई तो होगा सुनेगा, ऐसा नहीं हो सकता कोई नहीं है, कोई तो होगा। ठीक है चलो, एक आदि सही सुन ले, उसका जिंदगी बदल जाए, यही मेरा प्रणामी है, कहा करे, उपाय नहीं है कुछ। भगवान ने बोला जब ऐसा स्थिति पैदा हो जाए, तुम कुछ बोलने जाओ तो तुम्हारा खिलाफ हो जाएगा, तुम्हारा भजन बिगड़ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है, भगवान बताया, यू अप्रूव देयर एक्टिविटीज विदाउट एनी मर्सी, मर्सीलेसली। जब भी आप पिता हो, सहन नहीं हो रहा है बेटिया रानी का शादी कुछ चमार से हो जाए, हाय हाय हाय, छी 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 छी। एक केस मेरा पास आया, गोरियाहाट में रहता है एक छागल, श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज का सहारा लिया है बोल के दावा करता है, बहुत दिन पहले का। वो बड़ा बड़ा समस्या लेके मेरा महाराज, ये समस्या पैदा हो का करे, हम देखो तुम्हारा हरिकथा सुनने का कोई मन नहीं है, समस्या लेके आ जाते हो वृंदावन में या वहाँ। अब महाराज हमारा एक बहन है, चचेरा बहन, इन्होंने किसी लड़का का साथ प्रेम का रिश्ता बना दिया, हम तो अच्छा ही हुआ, बोला अच्छा नहीं है महाराज, वो मुस्लिम है, मुस्लिम है, अच्छा है चलो, प्रेम का रिश्ता बना दिया उसकी उनकी बहन ओ मुसलमान का साथ, पता नहीं चला कि मुसलमान है, अच्छा है, जो जैसा करनी ऐसा भरनी, अब हम क्या करें, जा हम क्या करें, उसका पहले आया था क्या, सब समस्या होने के बाद आता है, महाराज ऐसा हो गया, हाँ पहले आया था, पहले आया था क्या। महाराज जी का एक शिष्य है इंग्लैंड का, कोरोना पीरियड का 2 साल तो गया, उसका पहले से वो का पहले आता था, बहुत कीर्तन करता था, बोले कहाँ चला गया, उसका कोई खबर नहीं है, है पता नहीं है कोई, क्या बात है। तो महाराज का कहे, 1.5 साल बाद जब कोरोना का मोह खत्म नहीं भाई, अभी फिर भी चल रहा है, थोड़ा कमती हो रहा है उस टाइम, भले महाराज ये मैसेज भेजा एक हमारा पुरुषोत्तम का पास, भले महाराज ही लाइक टू मीट विथ यू, हमारा साथ मिलना चाहिए, कहाँ चला गया था,
बोले हमको पता नहीं, वो मिलना चाहता है आपका, कहाँ मिलेगा, हमारा कोई आता पता नहीं है, कहाँ मिलेगा, तब तो बंगला सेंटर कुछ नहीं है, हैं? तो बोले ठीक है, काम कर, शिव मंदिर मिला, शिव मंदिर में मेरा अड्डा है, बस अड्डा जैसे रहते हैं, मेरा जगह है नहीं, शिव मंदिर में आयो, कोई मिले तो शिव मंदिर में आ जाओ। शिव मंदिर में आया, देखा गोदी में एक बच्चा है, क्या है, कौन है? बोले मेरा बच्चा है, तेरा शादी कब हुआ, शादी कब हो गया है, बच्चा लेके आया? बोले महाराज खटिया खड़ा हो गया, इंग्लैंड का आदमी है। खटिया खड़ा क्यों? बोले छोड़ी पकड़, बोले अपना मेरे मुश्किल हो गया, बहुत समस्या हो गया बीवी का साथ, बीवी का साथ आ समस्या, अब आया है, अब मेरा याद आया, पहले नहीं याद आया बेटा है, जब समस्या आन पड़ा तब मेरा याद आया, पहले क्यों नहीं आया? बोले यही तो मुश्किल है महाराज, माया में फंस गया और शादी हो गया, खून खराबा हो सकता, हम चलो जो हुआ हुआ, अब हम क्या करें, ऐसा ही है। तो ये परिदृश्यमान दृश्यमान जो जगत है, नवोतत्मात्मक बिल्ड अप ऑफ 5 and 9 एलिमेंट्स एज आई टोल्ड बिफोर, इसको छोड़ के भोगी आदमी कुछ सोचना नहीं चाहता, भोगी आदमी कुछ सुनना नहीं चाहता। कितना कष्ट होता है जब गुरु वैष्णव किसी हालत में रहने के लिए मजबूर हो जाता कि चारों ओर विषयी आदमी है, चारों ओर, जैसे ट्रेन जर्नी में होता है, जर्नी में होता है ना, हाय राम, कितना कष्ट होता है, चारों ओर विषयी, चॉप कटलेट खा रहा है, ये खा रहा है, गप मर रहा है, गाली दे रहा है, हिंदी गान चला रहा है, आप चूल्हे में जाओ, आपका भजन चूल्हे में जाए, हमारा क्या है, हमारा क्या है, हमको सब सुनने का दरकिनार, आप भजन करो ना करो, आप तो हम जा रहा है ना, सरकार को पेमेंट किया है, गोदी बालिश चाहिए, रजाई चाहिए, सब चाहिए ना हमको, हम आराम से जाए, इसलिए खरीदा है टिकट, अगर दिन को सोते सोते जाएंगे आराम करके। गुरु वैष्णव का कष्ट चारों ओर से भी सही, परम पूज्य माधव गोस्वामी जब जाते थे तब पे फिर भी अच्छा, हमारा गुरुजी प्रभुपाद भक्तिमय ठाकुर लोकल ट्रेन में जाते तो कोई टैक्सी लेके आते थे क्या, आजकल तो कोई छागल भी टैक्सी पे चढ़ के चली जाए, अरे आजकल तो ऐसा ही सस्ता हो गया है, कोई छागल जा रहा है कलकत्ता वो भी गाड़ी के अलावा जाएगा नहीं, लोकल ट्रेन में जाएगा नहीं और एसी घर में रहेगा, अरे एसी घर के अगर नहीं रहे तो कैसा साधु है, वो साधु ही नहीं है। हमको एक गुरु भाई ने बताया, वो एक्चुअली केरला का है और उसका सिटीजनशिप मलेशिया का है, तो हमने वो दक्षिण भारत जाना चाहते हैं, वो साउथ इंडिया का है, हमको बोला महाराज हम दक्षिण भारत जा रहे हैं, क्यों, प्रचार के लिए, कैसे जाओगे, टिकट विकट क्या, बोले फ्लाइट का टिकट, फ्लाइट में जाना पड़ेगा, बोला बोले महाराज फ्लाइट में अगर ना जाए वो साधु, वो सोचेगा ये छागल साधु है, ये साधु ही नहीं है, फ्लाइट में आए उसका आरती उतारे आदमी लोग माला पहनाए तो ये साधु, नहीं तो साधु ही नहीं है, ये एसी घर में रहता नहीं, फ्लाइट में जाता नहीं, वो कैसा साधु है, फालतू साधु है, ये दुनिया बदल गया, इंसान दुनिया का विचार ऐसा बदल गया जो रेक्टिफाई करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट इम्पॉसिबल, नेक्स्ट इम्पॉसिबल, परिवर्तन संभव नहीं, वो इसका इतना बायसनेस है, इतना सारे प्रमाण, विदाउट प्रमाण कुछ नहीं देता, एक भी शब्द विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, फिर भी बाहर का आदमी यहां का आदमी सब पागल जैसा, इट इज ऑल राइट महाराज, ऐ तो अच्छा ही है, उन्होंने गाली दिया गुरुवर्ग को, अच्छा ही है, वेरी गुड, मैंने किसी को ABCD ज्ञान नहीं है, हमारा बात आपका विश्वास नहीं होता है, आप एक सर्वे बनाओ ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे मठ मंदिर में जाओ, जाके देखो क्या हो रहा है,
विश्वास नहीं होता है तो जाके देखो क्या हो रहा है, ये भी क्या भक्ति है, ये भी क्या भक्ति है, ये मानना पड़ेगा क्या, ऐसा ही है। कोई कुछ समझता नहीं, सिर्फ गले में माला लटका लिया तुलसी का, बस हाथ में एक हरे कृष्ण बस, बस यही जो भागवत जी महापुराण का ग्लोरिफिकेशन में जो बताया गया था ना, कितना हजार साल पहले का बात है, 5,500 साल पहले तो परीक्षित महाराज का प्रवचन हुई, इसके बाद 5,000 होगा और क्या, गोकर्ण जी महाराज के, गोकर्ण जी महाराज का बाद में हुआ, पहले हुआ शुक्ताल का सुखदेव गोस्वामी, उसका बाद शुतदेव गोस्वामी नैमी क्षेत्र में, और बाद में गोकर्ण जी महाराज के द्वारा तुंगभद्रा नदी का किनारे में। तो सारे का एक सर्वे बनाओ, आप देखोगे हालत क्या बिगड़ गया, हालत कैसा बदल गया, पाप रे, 5,000 सालों में लगता है कि हम दूसरा एक जगत में चला गया, विश्वास नहीं हो रहा है, इतना बदल गया। और आजकल का भागवत कथा हरि कथा सुनो, आपको समझ में आएगा क्या कितना बदल गया दुनिया, कहाँ जाओगे क्या करोगे, क्या करोगे कहाँ जाओगे, क्या है, कुछ है, कुछ नहीं है, बेसहारा बन गया पूरा। एक सर्वे बनाओ और देखो, मिनिमम एबीसी नॉलेज भागवत जी का ग्लोरिफिकेशन जो है, ग्लोरिफिकेशन पद्म पुराण का वहां लिखा हुआ है, ये कली काल में ये जो जेनुई है ये जेनुई सिंटम बन के रखेगा, सन्यास का दंड ऐसा ही रहेगा, आई बात समझ में, बाकी सार वस्तु सब गायब होते चलेगा, गायब हो जाएगा। विप्रत्य सूत्र में वही, अरे हम ब्राह्मण और कैसे समझ, देखते नहीं हो मेरा जेनुई है, हाँ हाँ देख लिया, हाँ जेन्युइन इज द सिम्टम ऑफ ब्राह्मणिज्म, नथिंग एल्स, जेन्युइन आ गया ना, विप्रत्यय सूत्र में वही। कुछ करने का नहीं है, सब लिखा है, सन्यासी लोगों से आचार्य से करोड़ों करोड़ रुपये उधार लेगा साधारण आदमी, और हम लोगों का जिंदगी माधुकुरी का ऊपर चल रहा है, पूरा माधुकुरी, आज तक किसी को ए पैसा ला ये ला कुछ नहीं, इच्छा हुआ तो दे दिया, वादा किया तो दे, सेवा में लगा दे, ऐसे ही हालत है। वित्तमेव कलो निनाम जन्माचारो गुणादयो है, ये भागवत का ग्लोरिफिकेशन क्या बताए, वित्तमेव कलोनी नाम जन्माचारो गुणान, अरे पैसा है तो सब कुछ है, अरे ऊंचा खानदान का है आप जानते नहीं हो, उसको बैठा दे चेयरमैन बना दे सभापति, हाँ दे दो खूब करो कोई बात नहीं, तो ऐसा ही हालत है। वित्तमेव कलो निनाम जन्माचारो गुणादयो है, और दंपत्तेर अभिरुचिर मयैव व्यवहारिके, स्त्री पुंस भेद और कुछ भेद नहीं सब, और बहुत सारे सिम्टम है कलिकाल का, बहुत कलिकाल का बहुत सारे सिम्टम हैं बताया गया भागवत, 5,000 साल पहले बताया गया, क्या बताया,
सारे बता दिया। शूद्रहा प्रतिग्रहिष्वंती तपोवेशोपजीविनः, शूद्रहा ये शूद्र है, चमार है, शूद्र है, चमार और भी नीचा है, जो भी है आप तो सब समान हो गया, जो ब्राह्मण है वो चमार है, वो एक ही है, वो तो एक ही है महाराज। इसलिए बताया शूद्रहा प्रतिग्रहिष्वंती, भिक्षा लेने का अधिकार एकमात्र वैष्णव का है, भिक्षा लेने का अधिकार एकमात्र वैष्णव का है, काली पूजा करने वाले का अधिकार नहीं है। आप गुस्सा हो जाओगे, काली मैया का निंदा नहीं की, काली मैया का पूजा करने वाले भिक्षा करे तो ये इसका परिशोध, ही कैन नॉट पे और सी कैन नॉट पे, क्यों, ये तो जगत आधार जगन्नाथ का भजन नहीं कर रहा है, जगन्नाथ का एक्चुअल भजन जो करे वो ऋणी रहने, वो ऋणी नहीं रहता, बाकी चाहे काली पूजा करो, शंकर पूजा करो, गणपति पूजा करो, सूर्योदय कुछ भी कर लो, या पंचोपासक का अंदर में जो विष्णु है उसका भी आरती उतार लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दे आर कंसेप्शन मेटेरियल, दे आर इन बर्नेट कंडीशन, दे हैव नो आइडिया व्हाट इज एक्चुअल कृष्ण भजन। गुणातीत भजन, गुणातीत भूमिका में, गुणातीत भूमिका में जब तक ना जाए गुणातीत भगवान का भजन नहीं बन पाता, और नहीं बन पाता तो उसका ऋण कर्जा उतारेगा कौन, एकमात्र जो कृष्ण भजन करता है नारायण अत विष्णु तत्व, वही अपना ऋणी नहीं होता, बाकी सारे ऋणी हो जाता, मानेगा नहीं। शूद्रहा प्रतिग्रहिष्यन्ति तपोवेश उपजीविनः, शूद्रहा प्रतिग्रहिष्यन्ति तपोवेश उपजीविनः, तपस्या का कपड़ा पहन लिया, भबड़ा कपड़ा पहन लिया, गेरुआ और दिखा रहा हम सन्यासी है महाराज, भिक्षा दे दो, भिक्षा दो, वो भी प्रेस्टिज का साथ धोखाबाजी करके भिक्षा करता है, भिक्षा दे ही थोड़ा दे दो ऐसा तो ठीक है, ऐसा नहीं करता वो, मूर्ख नंबर वन, अक्षर का ज्ञान भी नहीं है वो, क्या करता है अपना जेब में दो तीन बहुत कीमती पेन रख देता है, कीमती पेन और एसी गाड़ी लेके जाए। चंडीगढ़ का एक आदमी हमको बोला, महाराज जब जानते नहीं हो, भिक्का अगर ऑर्डिनरी जाओ तो भिक्का नहीं देगा, अच्छा बोले हाँ एसी गाड़ी करके जाना पड़ता है, एसी गाड़ी करके वाह एक नंबर चिकना कपड़ा और सेंट निकल रहा है तब जाके सेठ जी भिक्का देगा, नहीं तो 10-5 रुपया दे के भगा देगा। अच्छा हम तो नया सीखा भाई, हमको तो पता ही नहीं था, अब पता होनी भी नहीं चाहिए, क्या करें हम जान के। बोले महाराज भिक्का तब देगा जब जो ऐसे जाना पड़ेगा, नाटकबाजी। सो शूद्रहा प्रतिग्रहिष्यन्ति तपोवेश उपजीविनः, आप धर्मम वक्षन्ति धर्मज्ञ अधर्मज्ञ अधिरूर उत्तमासन, धर्म का प्रवचन कर रहा है जो अधार्मिक है, धर्म का प्रवचन वो कर रहा है जो स्वयं अधार्मिक है, स्वयं अधार्मिक है, वो उल्टा सीधा करता है समाज, कोई भी एक भी नीति नहीं मानता, वो भी का प्रवचन दे, आई बात समझ में, ये प्रवचन देगा जिसका कोई धर्मों अधर्मों का बारे में कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा दुर्योधन यही प्रवचन देने के लिए बैठ जाता है वैशासन में, ऐसा स्थिति है। यहां बताया है
परिदृश्यमान जगत में जो बद्ध जीव है, चाहे आचार्य का भूमिका हो, भूमिका में हो, सन्यास भूमिका में, हम कोई नाम नहीं करता, जिस भूमिका में हो बद्ध जीव है, चाहे इंटरनेशनल प्रचार हो, बद्ध जीव है। अब दुनिया में सब चलता है, ये परिदृश्यमान जगत में जो कुछ भी देखता है सब एंजॉयिंग मूड लेकर देखता है, भोगने का विचार लेकर देखता है, और इसके अलावा कुछ सुनना नहीं चाहता है, सुनना नहीं चाहता। वो एक एक विषय का जो व्यवहार देखने को मिलता है कभी कभी जारने का टाइम में, वो मत पूछो, हाय हाय। और सूखा ज्ञानी, ड्राई नॉलेज जिसका पास है, शुष्क ज्ञानीगण जो आत्मो रामोता, आत्माराम बन जाएगा। अच्छा, आत्माराम बन के भगवान का क्या सुविधा कर लोगे? आप तो आत्माराम बन गया तो ठीक है, भगवान का क्या सुविधा कर लिया आपने, कुछ किया? आत्मरमता अनुसंधान करता है जीव, स्वयं ही वही आत्मा है। शुष्क ज्ञानीगण जो आत्मरमता का अनुसंधान करते रहते हैं, जीव स्वयं ही वो आत्मा, यद्यपि दो आत्मा है, एक जीवात्मा एक परमात्मा। सांखो विचार में जिसको प्रकृति बोला जाता है, सांखो जिसको प्रकृति बोला बोल सांखो शास्त्रों में जिसको प्रकृति बोला जाता है, तहा एवं सांखो का आत्मा भी इसमें इसका अंदर में है। अर्थात कहने का मतलब है, हर प्रकार का तत्ववादी का निर्दिष्ट तत्व ये नौ तत्व का अंदर में ही रहता है। आई बात समय में, सारे तत्ववादियों का निर्दिष्ट तत्व यही नौ तत्व एलिमेंट्स का अंतर तत्व का अंतर्गत है। लेकिन जिस गोविंद से इस सारे तमाम दुनिया आया हुआ है, चाहे तत्व हो नौ हो, 26 तत्व हो, 28 तत्व हो, कुछ भी पूत अनंत ब्रह्मांडो जिसका कारण अकारण सब कुछ सबका कारण है गोविंद महादिपुरुषम, गोविंद ही भगवान ही ये साम तत्व का उत्पत्ति स्थल स्थिति और प्रलय का समय में जो अंतिम में जिसका अंदर में घुसता है, सारे यही भगवान ही हैं, सारे ही भगवान ही हैं और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है, सारे यही है। अग्निर्मही गगनम्बु मरुद्दिशस्य कालहस्तथात्मो मनसीति जगत्त्रयानि यस्मात् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति त्वञ्च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो जहाँ जितना भी चीज है, जिसका पास जितना ताकत है, चाहे वो हिरण्यकशिपु हो, रावण हो, और आजकल का तिरंडी सन्यास रावण हो, कोई भी हो, सबका ताकत उसी भगवान से आया हुआ है। जिस ताकत का ऊपर भरोसा रख के ये लोग कुछ भी करता है, सारे भगवान से ही आया हुआ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे। 52 नंबर श्लोक का चर्चा उठाएंगे, शायद काल पूरा चर्चा हो पाएगा, चेष्टा करें। जच्चक्षुरेश सविता सकलो ग्रहणात् राजा समस्त सुरा
सुरमूर्ति रसेशति यः यस्या गया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमाम। क्या बताया? जच्चक्षुरेशो सविता सकलो गृहाणा गृहाणम। क्या? जच्चक्षुरेशो सविता सकलो गृहाणम गृहणात्ना गृहणम, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक है। जच्चक्षुरेशो सविता सकलो गृहाणम राजा समस्त सुरमूर्ति रसेशते यः यस्याज्ञया भ्रमति संभृतो कालचक्रो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। जच्चक्षुरेशो सविता सकलो गृहाणम राजा समस्त सुरमूर्ति रसेशते यः यस्याज्ञया भ्रमति संभृतो कालचक्रो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। क्या बताया? तमाम ग्रहों का राजा है, तमाम ग्रहों का राजा है अशेष तेज, जिसका अंदर से तेज एमिट होता है ड्यू टू फ्यूशन एंड फ्यूशन रिएक्शन इनसाइड सन गॉड कंटिन्यूअसली, इतना तेज निकल रहा है। तमाम ग्रहों का राजा है, अशेष तेज विशिष्ट है सुरमूर्ति, सारे देवता लोगों में मान्यता प्राप्त किया है। जगत चक्षु जगत प्राण ये सब नाम जिसका लिए एप्लीकेबल है उसका नाम है जगत जीवन जगत प्राण जगत चक्षु सविता सूर्यो सारे विभावसु सारे ये सविता तमाम जगत का चक्षु आंखें बनकर है। सूर्य नहीं है तो कुछ नहीं है, प्राण का संचार होना भी मुश्किल बन जाएगा। ये सूरज भगवान जिनके आज्ञा का अनुसार काल चक्रो चक्रारूढ़ होके भ्रमण करते रहते हैं, जब ये आगे चल के वैशाख ज्येष्ठो हैं आषाढ़ हैं वैशाख ज्येष्ठो लेके सब चलता है ना इस चल हैं, और छ ऋतु जो है आषाढ़ सावन भादो शीत ग्रीष्म वसंत सारे, और सारे जो वैशाख ज्येष्ठों से लेकर जितना सारे महीना है सारे कैसे चलता है, भले सूरज भगवान एक रथ पर ध्यान दे, सूरज भगवान एक रथ पर सवार होकर चल रहा है रथ चक्र। आ 60,000 बालिखिल्लो ऋषि छोटा छोटा उंगली का मापी बच्चा, लेकिन बालिखिल्लो ऋषि 60,000 ताकत बहुत है, 60,000 बालिखिल्लो ऋषि सूरज देव का भगवान और अरुण इसका कोचवान है चल रहा है। और सूरज भगवान के गोती के अनुसार दक्षिण आयन उत्तरायन शीत ग्रीष्म वर्षा सब ये सब घूमते फिरते रहते हैं चलते रहते हैं, इसका कोई सीमा नहीं है, चल रहा है। किसके आज्ञा का आधार पर चल रहा है पूरा दुनिया? इशारा पे, जिनके इशारा पे चल रहा है उसका नाम है भगवान गोविंद, इनके ही नाम है भगवान गोविंद है, जिनके इशारा पर पूरा दुनिया नाच रहा है चल रहा है। बात हो बात मदभयात सूर्यस्तपति मदभयात, मेरे डर से सूर्य ताप देता है, वायु बहती चली आता है चला जाता है सारे। जिस भगवान का
आज्ञा को पालन करके करने के लिए काल चक्रारूढ़ हो के सूर्यदेव स्वयं चल रहा है, इसका नाम है भगवान गोविंद, इसका नाम है भगवान गोविंद, इसका नाम है भगवान गोविंद। जच्चक्षुरेश सविता सकलो गृहाणम राजा समस्त सुरमूर्ति रशेशते यहां यशाग्या भ्रमती संभ्रीत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिस गोविंद का इशारा पे जगत चल रहा है, जिस देवी मैया भगवान का इशारा से चल रहे, सृष्टि स्थिति प्रलय सदन शक्ति रेखा छैव जस्व भवना विवर्त दुर्गा इच्छानुरूपमपी जस्व चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम, वही भगवान गोविंद को भजन करना चाहिए, मैं भजन करता हूं, ब्रह्मा जी ने यह बताया। आज यहां तक चर्चा का विश्राम रखे और बाकी कोशिश करेंगे काल इस श्लोक का पूरा विचार करेंगे, काल चेष्टा करेंगे। यहां तक विपदो नैव विपदो संपदो नैव संपदो विपदो विस्वरणं विष्णु संपदो नारायण स्मृति वांछ कल्पतरुष्ट के पास सिंधु पतितानं पावन भविष्णुभ्यो नमो।